नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे बड़ी खबर लेके आया हूँ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट मिलते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के डीएम से, मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हम अपनी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। 15 साल हो चुके हैं किसी के, 20 साल हो चुके हैं किसी के, वहाँ पे पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, तो सबके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि अब रजिस्ट्रेशन पर नया नियम क्या आ चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उसने दोस्तों एक ऑफिशियल सर्कुलर फिर से जारी किया हुआ है। पहला सर्कुलर जो आया था वो 30 अप्रैल 2020 को आया था, जिनमें सभी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया था। लेकिन अभी फिर से यहाँ पे एक सर्कुलर जारी हुआ है 9/6 के माध्यम से, मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलर जो है ऑफिशियल, वहाँ पे मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपका जाकर चेकआउट करें, उसको पढ़ें, प्रूफ के तौर पर मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गाड़ियों की मेरा हमने नई व्हीकल को ली है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे गाड़ी जो है वो 15 साल की हो चुकी है, री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना है, कैसे करें, और एक्सपायर हो गया तो मुझे चालान कट जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर आया उसमें कंक्लूजन ये निकल के आया है, जो मैं आपको संक्षेप में बताऊँ तो इनके सब के संबंध में आपको बताऊँ, गाड़ियों के ऊपर ये फैसला लिया गया है कि इन सब की जो वैधता है रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी बंद चल रहा है। जैसे उन्होंने पहले ही बता रखा है कि अभी रजिस्ट्रेशन के कामकाज नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जिनके लॉकडाउन के पीरियड में 1 फरवरी 2020 के बाद से गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन है वो कागजात एक्सपायर हो गए, तो उन सब की जो वैधता है उसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सितंबर तक आपका वहाँ पर माफ़ कीजिएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि व्हीकल का, गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर अगर हो गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी वैधता जो रहेगी वो 30 सितंबर 2020 तक रहेगी। आपको फिर से आवेदन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, नया आवेदन करने के लिए ध्यान में रखिए अभी तो फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बंद चल रही हैं, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट में ये अभी बंद चल रही हैं ऑफिशियल वेबसाइट, नया आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। हालांकि RTO जो हैं ओपन हो चुके हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस DTO या फिर ARTO असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस, सभी ओपन हैं ऑफिशियली के तौर पर। पब्लिक गैदरिंग नहीं हो रही, पब्लिक को नहीं बुलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पिछले कामकाज को निस्तारण किया जा रहा है। कब से ऑफिशियल पब्लिक को बुलाया जाएगा अभी इसके ऊपर कोई डिटेल्ड वीडियो या जानकारी अभी किसी को नहीं है, तो जब आएगी तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें अभी कभी इसी बात पे, एम करते हैं इस वीडियो पे 1000+ लाइक के, तो उम्मीद करता हूँ हम जल्द से इसको पूरा करेंगे। लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, अपने भाई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डेली चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी जो गाड़ी की वैधता है वो रजिस्ट्रेशन समाप्त हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे 30 सितंबर तक फ्री ऑफ हैं, उससे टेंशन ना लें। अब बात आती है री रजिस्ट्रेशन की, जो कि मतलब कि इसकी वैधता क्या रहेगी। इसमें बहुत सारे मुझसे कमेंट्स आते हैं कि क्या 15 साल हो गया उसके बाद कितने साल का रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो री रजिस्ट्रेशन 15 साल के बाद 5 साल का आप और करवा सकते हो, भारत में यही नियम है। 20 साल तक कोई भी गाड़ी की एज मैं बता दूँ आपको 20 साल है, उसके अलावा आप फिर से उसका फिटनेस नहीं बनवा सकते, ना ही वो गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी 15+5 का नियम चल रहा हुआ है किसी किसी केस में दोस्तों, ये किसी किसी स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 15+2 का केस चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में दोस्तों 15+5 का, यानी 15 साल तक पहला रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन 5 साल का, टोटल 20 साल तक आपके गाड़ियों की क्षमता है। ध्यान में रखिएगा ये मोटरसाइकिल और पेट्रोल गाड़ियों की बता रहा हूँ, डीजल गाड़ियों की जो वैधता है दिल्ली NCR रेंज में सिर्फ 10 साल है, 10 साल के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा भी नहीं सकते हैं, तो ये आप समझ लीजिए। फिर उसके ऊपर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो नई गाड़ियाँ ली जा रही हैं, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने या पहले ही 1 फरवरी के बाद में, फरवरी मार्च में जब से लॉकडाउन हुआ है, उसके पहले दोस्तों जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ ले ली थी तो लॉकडाउन के बीच में उनके RTO बंद हो गए, तो उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, वो उसके लिए परेशान हैं, सड़क पर जाते हैं तो पुलिस चालान काट बोलती है, परेशान करती है। तो ऐसे लोग को मेरा ये सर्कुलर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है प्रूफ के तौर पर, इसको डाउनलोड करना चाहिए, डाउनलोड करके PDF आप उन ट्रैफिक पुलिस वालों को, सिविल पुलिस वालों को दिखाइए, अगर आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है या नहीं मिला है आपको अभी तक, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपके उस रजिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके व्हीकल पर कोई चालान नहीं कटेगा, आपकी जो वैधता रहेगी वो 30 सितंबर 2020 तक रहेगी। उसके बीच में आप नया, आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, इसके बीच में आपको बताऊंगा आप जानकारी आपको कैसे मिलेगी कि ऑफिशियल वेबसाइट कब से ओपन हो रही है, तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि मैं जब नई वीडियो बनाऊँ आप तो सबसे पहले पता लग जाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है,
कि आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है तब आपको नया आवेदन करना है अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन का या फिर RTO विजिट करना है जब से पब्लिक को बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तब आपको जाना है। उसके बीच में आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सारे जो रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं वो सभी सुरक्षित हैं, उसकी वैधता बढ़ा दी गई है 2020 तक। तो यही आप लोग के लिए यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आई है, अच्छी खबर है इसी वीडियो, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर सभी लोग तक करें, अपने यार दोस्त घर में परिवार में सभी लोग तक शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो सब जगह शेयर करिएगा, और अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। तो अगर आपको मुझसे अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई पर्सनल बात करनी हो, सुझाव देना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, @technicalalok जी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपके द्वारा दी गई जानकारी से मेरी आप संतुष्ट होंगे, वीडियो अच्छी लगी है इसलिए लाइक जरूर करिएगा, और अब मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल पे बने रहेंगे, परिवार सदस्य बन चुके हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।